हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार विद साइंस कर्म विद्या मंदिर संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं कैम साइंस चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनका गुणधर्म। तो गुणधर्मों में हमने पढ़े थे कि इसमें इससे पहले जो गुणधर्म पढ़े थे परमाणु की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धनायनिक त्रिज्या, ऋणायनिक त्रिज्या और आयनन विभव, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो उनके बाद नेक्स्ट हमारा गुण है इसका, वो है संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है यानी वैलेंसी। तो सिंपल भाषा में हम बोलें कि किसी तत्व के द्वारा संयोग करने की क्षमता, यानी कितने वो बंध बना सकता है, संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता यानी बंध बनाने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे हम बात करें, कोई हमारा ए परमाणु है, ठीक है, ये किसी दूसरे बी परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ए की क्षमता कितनी है, एक बंध बना रहा है, ठीक है। बी की भी क्षमता कितनी है, एक बंध बनाने की है। अगर मान लो हमारा ये ए परमाणु है दो परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ए परमाणु की क्षमता कितनी हो गई, दो हो गई, यानी बंध बनाने की क्षमता कितनी है, दो, या संयोग करने की प्रवृत्ति कितनी है, दो। जैसे यहाँ पर हो गई तीन हो गई, तो यहाँ पर एक दो और ये तीन चार पाँच, तो ये परमाणु जुड़े हुए हैं अन्य, तो हम ये कह सकते हैं कि ए परमाणु की जो क्षमता है वो पाँच बंध बनाने की है, यानी तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी, इसकी संयोजकता कहलाएगी पाँच। और बी परमाणुओं के कितने बंध बन रहा है, बी परमाणु एक ही बंध बना रहा है, तो इसकी संयोजकता एक होती है, सभी बी परमाणुओं की संयोजकता एक होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखो, संयोजकता का निर्धारण कौन करता है ना, होती क्या है संयोजकता, कैसे होती है। तो हम यहाँ दूसरा जो करेक्टर लिख रहे हैं वो है कि संयोजकता का निर्धारण, संयोजकता का निर्धारण कौन करता है, संयोजी कोष या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन करते हैं, बाह्यतम कोष या इसको संयोजी कोष भी बोलते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। तो संयोजकता का निर्धारण कौन करेंगे, संयोजी कोष या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 होता है, यानी 6 का मतलब होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या 6 भी हो सकती है, यानी कि अलग हो सकती है, किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हम इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि 1s, फिर इसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, यानी जो ये जो संख्या है यहाँ पर, ये कोषों की संख्या को बताती है, यानी नाभिक के चारों ओर जो गोले होते हैं, ये नाभिक है, ये पहला गोला, ठीक है, ये किसको बताता है, 1s को, यानी 1s को। इसके बाद दूसरा गोला किसको बताता है, 2s और 2p को, यानी एक एक कक्षक बढ़ता चला जाता है। तीसरा गोला तीन कक्षक होते हैं, चौथे में 4s, 4p और 4d, 4f एक और बढ़ जाता है, ठीक है। और हम अब इनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस तरह से ये कक्षकों का क्रम होता है। यहाँ पर ये लाइन जिसको काटती है वो पहले भरता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 1s में, तो 1s लिख दिया हमने। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s कक्षक में, s कक्षक में दो से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो हमने दो लिख दिया। हमें पूरे कितने करने हैं, 6, अभी हमने दो ही लिखे हैं, 4 और बचे हैं, तो ये हमारा कोष भर गया पूरा, ठीक है, ये के कोष है, पहला कोष है, ये गोला भर गया। इसके बाद दूसरे गोले में चलते हैं, दूसरे गोले में कौन है, 2s है और 2p है, दोनों हैं, तो s में कितने आ सकते हैं, दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, यहाँ पर कितने हैं, 6।
अभी दो और भरने हैं तो दो यहाँ पर भर दिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हमारा दूसरा कोश हो गया, आखिरी कोश। तो कार्बन का आखिरी कोश कौन सा है? ये यहाँ से यहाँ तक, L। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाह्यतम कोश या संयोजी कोश। संयोजी कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो और दो चार। तो ये चार जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स परमाणु की संयोजकता का निर्धारण करते हैं कि वो कितने बंध बनाएगा। जब वो बंध बनाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेगा, किनका? चार इलेक्ट्रॉनों का, इसका नहीं करेगा, ये कोई काम नहीं आते हैं भाई, है ना। तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि संयोजकता का निर्धारण बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं कि वो परमाणु कितने बंध बना सकता है। अब वो भी क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करता है, यानी आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने भी पड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करने पड़ सकते हैं, यानी लेने भी पड़ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का साझा यानी पार्टनरशिप भी करनी पड़ सकती है, है ना। तीन काम करने होते हैं उसको, तो तीनों में से एक काम करता है वो। तो यहाँ पर संयोजकता का निर्धारण वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हमने कार्बन का लिया, सोडियम का लिया, मैग्नीशियम का लिया। तो यहाँ पर हम लिया जैसे सोडियम Na, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, दूसरा कोश पूरा भर गया है। अब 11 इलेक्ट्रॉन करने हैं, अभी 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो अगले तीसरे कोश में चलते हैं 3s1। पहला कोश यहाँ पर K, दूसरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, अभी तीसरा शुरू हो गया M कोश, ठीक है। ऐसे ही मान लो हम कैल्शियम की बात करें, Ca20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 3p6। तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 और 18 हुए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 4s1 में, यहाँ पर, ठीक है। अब 4s1, 3d नहीं आया, है ना, तो 3d में इलेक्ट्रॉन कब भरते हैं? जब 4s पूरा भर जाता है, जो हमने क्रॉस बनाया था ना, उसके हिसाब से यहाँ पर 4s आ गया। जब 4s भर जाएगा तो 3d में इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी देखो यहाँ पर जो 3d होता है वो खाली होता है, 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, ये खाली रख दिया गया। क्यों? क्योंकि n प्लस l का जो नियम है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 6 भरने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन s में चला गया, 8 हो जाएंगे इसमें, एक और आ जाएगा, फिर 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये खाली है तो हम इसको लिखते ही नहीं है यहाँ पर, हम फिर क्या लिखेंगे? सिर्फ इसको 4s1 लिखते हैं, हालांकि 3d यहीं पर ही है लेकिन खाली है तो हम इसको लिखते नहीं हैं। ये यहाँ तक हो गया। ऐसे ही हम बात करें क्लोरीन की, Cl 17 परमाणु क्रमांक है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितने चाहिए? अब देखो यहाँ तक 10 हो गए हैं, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, हमें 17 करने हैं, तो 5 और चाहिए, तो इसमें 6 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? 5। तो हो गए 5 और 2, 7 और 10, 17 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पहला कोश ये हो गया, दूसरा कोश यहाँ से यहाँ तक हो गया और तीसरा कोश यहाँ पर हो गया। इसमें पहला कोश यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये चौथा शुरू हो गया अभी, ठीक है। तो अंतिम कोश कौन सा है? इसमें तो ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। जो गोले लगा रहा हूँ वो क्या है? आखिरी कोश हैं ये सभी। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं बाह्यतम कोश, ठीक है, या इनको संयोजी कोश भी बोलते हैं, संयोजी कोश। ये आगे जो बड़ी क्लासों में 11, 12 में जाओगे तो वहाँ पर काम आएंगे, 10th क्लास में सिखा देते हैं इनको। अब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं,
संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ये संयोजकता का निर्धारण करते हैं, वैलेंसी का निर्धारण करते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाह्यतम कोश है और इनके संयोजी कोश भी कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दो करेक्टर हो गए, परिभाषा हो गई, और दूसरे में क्या हो गया उसका निर्धारण। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो क्या होती है कि हम वर्ग की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो इस तरह से लिखते हैं, एक ही वर्ग के सभी सदस्यों, एक ही वर्ग के सभी सदस्यों की संयोजकता समान होती है, होती है। यानी क्यों होती है, क्योंकि उनके संयोजी कोष, मैं संयोजी कोष इसलिए लिख रहा हूँ, संयोजकता की बात कर रहे हैं तो संयोजी कोष को बाह्यतम कोष भी कहते हैं, क्योंकि उनके संयोजी कोष में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो उनकी संयोजकता भी सेम होगी। जैसे हम बात करें पहले वर्ग की, पहले वर्ग में कौन होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। दूसरे में कौन होते हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये इस तरह से हम एस ब्लॉक में आ गए, भी एस खंड में आ गए। एस खंड में ये दो वर्ग हैं, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। तो इस वर्ग में हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो इन सब की संयोजकता एक होती है। यानी लिथियम एक बंद बना सकता है किसी से भी जुड़े, हाइड्रोजन एक बंद बना सकता है, सोडियम भी कितने बंद बनाता है, एक ही बंद बनाएगा, सबकी संयोजकता कितनी है, एक होती है, है ना। रुबिडियम हाइड्रोजन कितने बंद बनाएगा, हाइड्रोजन एक बनाता है, लिथियम इसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद कौन है, सोडियम भी एक बंद बनाएगा, पोटेशियम भी एक बंद बनाएगा, रुबिडियम भी एक बंद बनाएगा, है ना, सीजियम भी एक बंद बनाएगा। तो अभी एक बंद क्यों बनाते हैं, हम जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं सबका, तो सब में क्या होता है कि n का मान इसमें तो एक है, ns1, इसमें दो है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से आवर्त होते हैं। आवर्त संख्या n का मान होती है, तो यहाँ पर 2s1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3s1, यहाँ पर 4s1, 5s1, इस तरह से लिखते हैं। और हम इसकी बात करें बेरिलियम के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2s2, यहाँ पर लिखेंगे 3s2, फिर लिखेंगे 4s2, 5s2, इसके लिए 6s2 और 7s2। तो देखो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने लिखा है ये अंतिम कोष है सबका, चाहे इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें, सोडियम का तो 1s1 ही होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1s2 और 2s1, ये हो गया लिथियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अंतिम कोष, ये तो पहला कोष हो गया और ये आखिरी कोष है, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो यहाँ पर क्या है 2s, तो 2s1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे हम सोडियम पर क्या लिखते हैं, 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, तो ये तो हो गए अंदर के, आखिरी कोष ये हो गया 3, तीसरा कोष शुरू हो गया, इसमें क्या है 3s1, तो हमने यहाँ लिख दिया 3s1। ऐसे ही पोटेशियम का 19 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 4s1। सब में s1 विन्यास आएगा हर वर्ग में, दूसरे वर्ग में s2 विन्यास आएगा, तीसरे वर्ग में s3 नहीं आएगा क्योंकि s में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही वर्ग होते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वर्ग में
ऊपर से नीचे आते हैं तो इनमें की संयोजकता एक होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये हो गया एक ही वर्ग के सभी सदस्यों की संयोजकता क्या होती है, उनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो संयोजकता क्या होगी, समान होती है। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट करेक्टर पढ़ेंगे इसका। इसके बाद हम देखते हैं पी ब्लॉक। ये तो क्या था, एक वर्ग के सभी सदस्य, हमने एस ब्लॉक की बात की इसमें एक, तो यहाँ पर क्या होता है पी ब्लॉक या पी खंड। पी खंड कहाँ से शुरू होता है, पी खंड वर्ग संख्या 13 से, वर्ग 13 से और 18 तक, ये पी खंड है। पी खंड के तत्वों की संयोजकता का निर्धारण उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी अब हम बात करें, जैसे बोरोन है तो यहाँ से शुरू होता है, हम दूसरा वर्ग की बात करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये हो गया 13 वर्ग, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग। ये हमारा पी ब्लॉक शुरू हो गया। पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। इस तरह से पी खंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये पी खंड दूसरे आवर्त से शुरू होता है, यानी पहले आवर्त में उसमें एक ही तत्व होता है, वो होता है हीलियम। तो ये दूसरा आवर्त है इसका, जो पहला आवर्त होता है उसमें कौन आता है, हीलियम 18 वर्ग में है, वो पहला आवर्त में एक ही तत्व आता है, तो उसको तो छोड़ो। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये है हमारे वर्ग, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पी खंड यानी 13 से 18 तक के तत्वों की संयोजकता का निर्धारण उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। यहाँ पर लिख दो करते हैं। तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसका पता कैसे लगाएंगे। इसका पता ऐसे लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए 13 लिखा हुआ है तो इस वर्ग में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे सबके पास, ये 14 लिखा हुआ है इसमें सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 15 लिखा हुआ है तो इसमें सब में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 6 लिखा हुआ है इन सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें 8 होते हैं पूरे, क्लियर है। हम पता लगा सकते हैं 13 वर्ग में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे बाह्यतम कोश में। तो 13वें वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, जैसे मान लो बोरोन है, बोरोन 5 पर होता है, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। अब देखो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, यहाँ से और यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें से ये, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। अब यहाँ पर 4 होती है, 5 होती है। अब यहाँ इसमें एक चीज़ और होती है कि संयोजकता का निर्धारण कैसे करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, 8 में से इन इलेक्ट्रॉनों को कम कर दो तो वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे हम बात करें 13वें वर्ग की, 13वें वर्ग में बोरोन है, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो अब देखो इसको कितने की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन सिर्फ 4 तक बहुत ही कम कंडीशन में, या 3 तक ही होता है, 4 पे तो बहुत कम होता है ना, रेयर कंडीशन में होता है, कुछ तत्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करें 13वें की, तो 5 कोई नहीं देगा, तो ये क्या करता है, इन 3 को भी बाहर निकाल देता है, 3 को भी बाहर निकाल देता है, त्याग देता है। तो बोरोन पर कितना आवेश आ जाता है, प्लस का 3, तो ये क्या होता है,
प्लस का तीन, अब कितने बचे, ये दो इलेक्ट्रॉन बचे। ये किसका विन्यास है, हीलियम का विन्यास है, तो हीलियम के जैसा बन गया ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े। तो संयोजकता कितनी हो जाती है इसकी, यहाँ पर तीन हो जाती है, और यहाँ पर कितनी संयोजकता होगी, यहाँ पर चार है इलेक्ट्रॉन, तो चार की जरूरत और पड़ेगी, तो चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। तो कार्बन है वो धनात्मक चार ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है और ऋणात्मक भी दर्शाता है, ये प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं सारे, ये चार भी दर्शा सकते हैं और माइनस चार भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाँच, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, तीन की जरूरत है, तो तीन इसको कोई भी दे सकता है, यानी ये ग्रहण कर सकता है, तो ग्रहण करता है तो ये क्या बनता है, ये इसकी संयोजकता तीन भी हो सकती है और पाँच भी हो सकती है, तो ये ज़्यादातर माइनस तीन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है नाइट्रोजन। और संयोजकता कितनी होती है इसकी, संयोजकता तीन भी हो सकती है और पाँच भी हो सकती है, नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन नहीं दर्शाएगा, नाइट्रोजन तो तीन ही बंद दर्शाता है, इसका भी कारण होता है। तो हम तो यहाँ इतना सा याद रखें कि पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता का निर्धारण उनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, वो 13 में तीन होंगे, 14 में चार होंगे, 15 में पाँच, 6, 7 और 8, इस तरह से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन निर्धारित करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, मुख्य ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक की जो संयोजकताएँ होती हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं डी खंड, डी खंड के तत्वों की संयोजकताएँ परिवर्तनशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, यानी चेंज हो सकती हैं। पी ब्लॉक में भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो चेंज करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते, डी ब्लॉक में ज़्यादातर तत्व संयोजकता को चेंज करते हैं। तो हम डी खंड की बात करें, डी खंड के तत्वों की संयोजकताएँ परिवर्तनशील होती हैं। इसी प्रकार एफ खंड के तत्व की भी संयोजकता, एफ खंड कौन होते हैं, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड की संयोजकताएं भी परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती हैं, यानी ये इनकी संयोजकताएं बदल सकती हैं। जबकि पी ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, पी ब्लॉक में जैसे बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये थे, ठीक है। तो पहले तो संयोजकता बढ़ती है इनकी, कितने, एक से चार तक, जैसे मान लो बोरोन की तीन हो गई, कार्बन की चार हो गई, ठीक है। उसके बाद घटना शुरू हो जाती है, तीन से हो जाती है, इसकी दो हो जाती है, इसकी एक हो जाती है, और 18 वर्ग की शून्य हो जाती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है, यानी वो किसी से बंद नहीं बनाते। तो ये तो था हमारा संयोजकता का टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं धातु और अधातुओं की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इसकी विशेषताएं हैं संयोजकता की। इसके बाद आता है टॉपिक परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, सामान्यतः किसी नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु साइज का निर्धारण करती है, तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमने आयनिक त्रिज्या तो पढ़ चुके थे पहले, तो अब है इसकी सामान्यतः उदासीन परमाणु, वो थी आयनिक त्रिज्या। उदासीन परमाणु की त्रिज्याएँ सामान्यतः दो तरह से मापी जा सकती है, जैसे एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है, और दूसरी होती है वांडरवाल्स त्रिज्या, वांडरवाल्स त्रिज्या, ठीक है। ये होती क्या है, सहसंयोजी त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे बात करें कि दो, यदि कोई अणु में दो परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो एक परमाणु ए है और ये दूसरा है बी, दोनों पास पास आते हैं, तो ये एक निश्चित दूरी तक पास आते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोषों में क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है, उनकी क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, तो ये हमें पता कैसे चलता है कि ये पास आ गए हैं,
तो हमारा जैसे मान लो ये नाभिक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का ऐसे क्लाउड होता है, ठीक है, ये परमाणु है पूरा। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसे क्लाउड यानी बादल सा बना होता है, यानी हम निश्चित बाउंड्री नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, लगभग त्रिज्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ऑलमोस्ट त्रिज्या का निर्धारण होता है। अब यदि एक तत्व के सामने जब दूसरा तत्व आता है, यहाँ पे जैसे मान लो ये दूसरा तत्व आया, यहाँ पर ये नाभिक है, इसका भी ये है, यही हाल है, ऐसे सभी परमाणु ऐसे होते हैं। तो ये आपस में जब आमने सामने से आते हैं तो इन पर दो बल कार्य करते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्लस ये नाभिक धनावेशित होता है। तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो परमाणु इस ओर आता है, ये नाभिक इसको अपनी ओर खींचता है, तो दोनों परमाणु पास पास आते हैं, इस तरह से धीरे धीरे पास आते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी तक, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पास आए तो उन पर एक बल और काम करने लगता है, कौन सा, कि ये नाभिक इसको भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्यों, दोनों सेम आवेश हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको भगाएगा। तो एक ये दोनों परमाणु निश्चित दूरी पर आते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पर। अब जरूर नहीं कि इनकी ये टच हुई है, तो हम काल्पनिक त्रिज्याएं, वो काल्पनिक बाउंड्री लगाते हैं, यानी आभासी बाउंड्री है। तो वास्तविकता का निर्धारण कौन करते हैं, कि जब ये तो क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और ये जो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसका नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्ष अपनी ओर खींचता है, तो ये क्या कहलाता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल। जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं तो परमाणु आकर रुक जाते हैं, है ना, यहाँ पर ये रुक गए। तो अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों परमाणु टकरा गए हैं आपस में, तो अब इनके नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये यानी ये ए से और बी तक की जो बीच की दूरी है, उसका आधा, उसका आधा, इसका जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लो ए और बी की दूरी यहाँ पर दो है, ये दो है, तो कितनी हो गई, चार, चार का आधा कितना हुआ, दो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि ये दूरी दो है और ये भी दो हो, है ना, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों का औसत लेते हैं, आधा करते हैं। मान लो एक हमारे पास है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, अब हाइड्रोजन का आकार तो छोटा होता है, दूसरा हमारे पास है क्लोरीन परमाणु, ये है क्लोरीन परमाणु, अब ये हाइड्रोजन, अब तो मान लो इनको हम मान लें ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, दोनों मिलकर क्या बनाया, H2 बना लिया अणु। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HCl। अब बताओ इस अणु की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की तो छोटी त्रिज्या है, और यहाँ से फिर यहाँ की थोड़ी बड़ी त्रिज्या है, जैसे मान लो ये हुई हमारे यहाँ पर दो है और ये हो गई चार, ठीक है भाई, ये दो है ये चार है, तो हमारी सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या होती है कि किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब इनके बीच की दूरी का आधा क्या होगा, चार प्लस में दो बराबर बटे दो बराबर कितना आया, छः बटे दो, यानी तीन अंगस्ट्रंग है पूरे की, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो आधा भाग है वो क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या। तो परमाणुओं की दूरी का आधा क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो गई सहसंयोजक त्रिज्या, यानी जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु, ये असमान भी हो सकते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लो ये दो परमाणु हैं ए और बी, इनके ये नाभिक है, ये इसका नाभिक है, इनके बीच की जो दूरी है उसका आधा भाग क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई हमारी सहसंयोजक त्रिज्या। इसके बाद है वांडरवाल्स त्रिज्या, तो इसको नोट कर लो आप। तो वांडरवाल्स त्रिज्या क्या होती है, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित, यानी इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये वांडरवाल्स त्रिज्या गैस अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर ठोस की बजाय गैस अवस्था भी होती है। तो निर्धारण किससे करते हैं, ठोस अवस्था से करते हैं, तो हम इसलिए ठोस लिखते हैं। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट, एक ही पदार्थ
के दो निकट परमाणुओं, यानी एक ही पदार्थ का मतलब होता है, जैसे मान लो H2 गैस है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु हैं, क्लोरीन गैस ClCl के परमाणु हैं, दो निकट स्थित अनाबंधित, निकट स्थित अनाबंधित, अनाबंधित का मतलब होता है बिना बंध बनाए, बिना बंध बनाए, ठीक है। अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी, अनाबंधित अणुओं के, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, यानी वही है परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। अब देखो वांडरवाल्स त्रिज्या में क्या कहा गया है कि दो परमाणु हैं, ये इसका नाभिक है A, दूसरा परमाणु भी क्या है यहाँ पर है, इसका नाभिक है B, दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, कैसे हैं, अनाबंधित हैं। अनाबंधित का मतलब होता है बिना बंध बनाए हुए। तो अब इसमें क्या है कि एक ही पदार्थ है, ये चीज़ ध्यान रखना, एक ही पदार्थ के, जैसे ये पदार्थ है, ये एक पदार्थ है H2, ठीक है। अब H2 के बहुत सारे परमाणु जब आपस में जुड़ें तो हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हैं, अनाबंधित। अनाबंधित का मतलब है हमारा H2 तो ये हो गया, ये हो गया, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ठीक है। ये जो दूरी है ये तो रहेगी, अब क्या करते हैं दूसरा परमाणु और, यानी दूसरा अणु और जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। तो इसका नाभिक ये है A, इसका नाभिक है B। अब ये एक पदार्थ हो गया, एक पदार्थ, ये कह रहा है कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अनाबंधित अणु है और ये भी क्या है, अणु है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, दोनों ही क्या कहलाते हैं, एक ही पदार्थ है ये, ठीक है। एक ही पदार्थ के दो परमाणुओं के बीच की दूरी, एक ही पदार्थ है ये। तो अब यहाँ पर जो त्रिज्या होगी, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी तो क्या कहलाती है, वांडरवाल्स त्रिज्या, इसकी वांडरवाल्स त्रिज्या, वो सॉरी सहसंयोजक त्रिज्या, इसकी भी सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो वांडरवाल्स त्रिज्या क्या होती है कि यहाँ से, अब ये जैसे इसके टच आता है, ये इसकी आभासी वो होती है, इसकी भी आभासी होती है, यहाँ जब ये टच करते हैं तो यहाँ से जो दूरी होती है और यहाँ तक की दूरी, ए तक की दूरी क्या कहलाती है, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, ये तो वांडरवाल्स त्रिज्या कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमारे पास ये एक अणु है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका नाभिक A है, इसका नाभिक B है यहाँ तक। अब कोई दूसरा अणु भी आ गया, वो यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये A है और ये B है, तो ये इनके बीच की दूरी है और ये इनके बीच की दूरी, ये तो क्या कहलाती है, इनका आधा तो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ तक की करेंगे, यानी इस बिंदु से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये वाली, ये क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है वांडरवाल्स त्रिज्या, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है इस तरह से। तो इस तरह से वांडरवाल्स त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। अब वांडरवाल्स त्रिज्या नीचे क्या होती है, वांडरवाल्स त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये क्या है, अनाबंधित, यहाँ पर कोई बंध नहीं बनता है, कोई बंध नहीं बनता है ना, सिर्फ आभासी होता है, आभास होता है कि यहाँ पर बंध है, इनके बीच में बंध है, ये सहसंयोजक त्रिज्या बना रहे हैं और इनके बीच में बंध नहीं है, दोनों के बीच में यहाँ से और यहाँ तक ये बीच में कोई बंध नहीं है, तो ये वांडरवाल्स त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वांडरवाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, कोवलेंट त्रिज्या से बड़ी होती है। इसको सी से इंडिकेट करते हैं, सी का मतलब होता है सहसंयोजक त्रिज्या और ये क्या है आर, ये आर का मान हमेशा अधिक होता है। तो ये तो हो गई वांडरवाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। अब इसका लास्ट टॉपिक है धातु व अधातु, यानी धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है, धनायन,
हमने ये देखा था कि जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन बनता है, और धनायन बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, धात्विक गुण को इंडिकेट करती है। तो इसका मतलब जो संपूर्ण धनायन होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, और जो ऋणायन होते हैं वो क्या होते हैं, अधात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बनाता है जो इसकी अधात्विक प्रकृति कहलाती है, अधात्विक प्रकृति कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है Na 11 है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Na प्लस और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो धनायन बनाया, तो ये क्या कहलाता है, धातु, यानी ये क्या है, धातु। ऐसे ही Cl 17 है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या बनाता है, Cl माइनस बनाता है, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, अ धातु। तो क्या होते हैं कि सामान्यतः एस ब्लॉक, एस खंड, डी खंड, एफ खंड में धातु होते हैं, ठीक है, एस खंड, डी खंड और एफ खंड में धातु होते हैं, एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक की हम बात करें, पी खंड में धातु, अधातु व उपधातु तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये धात्विक और अधात्विक गुण हो गया इसका, तो यहाँ पर ये हो गया। अब उपधातु कौन कौन से होते हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, है ना, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, यानी को बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम आदि, ये सभी क्या होते हैं, इस तरह से ये 7 उपधातुएं होती हैं, फिर ये सभी क्या हैं, उपधातुएं होती हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, ये क्या कहलाती हैं, उपधातुएं। ठीक है, ये पी ब्लॉक में पाई जाती हैं, पी खंड में पाई जाती हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये हो गए धातु और अधात्विक गुण होते हैं। अब इनकी आवर्तता कैसे होती है, आवर्तता का मतलब वर्ग में और आवर्त में क्या होता है, तो हम ये लिख सकते हैं आवर्तता किस में लिखते हैं, पहले आवर्त में लिख लो, आवर्त में पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनकी आवर्तता लिखवा देते हैं। ये हो गई आवर्तता, जिसमें आवर्त में और वर्ग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हमें पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या आती है, कमी आती है, जब धात्विक गुण कम होगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, यानी एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। अब ये अधात्विक गुण क्यों बढ़ता है, धात्विक गुण क्यों कम होता है, क्योंकि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, छोटा होता है, हमने पढ़ा था पहले। अब छोटा होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अब जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही नहीं तो धातु नहीं बनाएगा, यानी इसके वर्ग में क्या होता है, वर्ग में उल्टा होगा, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, बढ़ता है, क्योंकि अधात्विक गुण क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आकार बढ़ता है, हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो जिससे क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाएगा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकालेगा वो धनायन बनाएगा, और धनायन बनाएगा तो यह होगा धात्विक गुण कहलाएगा, तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। इस तरह से हमने इसमें आवर्तता पढ़ी, सभी तत्वों के गुणों को पढ़ा, और ये इनकी आवर्तता होती है। तो हमने देखा कि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, आकार में वृद्धि कमी होती है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है,
है ना, विद्युत ऋणता भी बढ़ती है, ईए का मान भी बढ़ता है, आकार में कमी आती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है और बाकी सब चीज़ें घट जाती हैं। तो शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम इस तरह से दिखाते हैं। जैसे आवर्त सारणी बनाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद आवर्त सारणी बनाएंगे। अब देखिए बच्चों कि पूरे पाठ का जो निचोड़ है वो इस आवर्त सारणी में है, तत्वों की आवर्तिता में। हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारी आवर्त सारणी का डायग्राम है। यहाँ पर एस खंड होता है, बीच में डी खंड होता है, यहाँ पर पी खंड होता है, एफ खंड नीचे होता है। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने अक्सर ये पढ़ा कि उधर चलते हैं तो क्या कहलाता है, आवर्त, आवर्त में, और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ग, है ना। अब हम अंतर देखो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ता है, क्या अधिक होगा, बढ़ता है सिर्फ आकार बढ़ेगा और धात्विक गुण भी बढ़ेगा, दो चीज़ें बढ़ती हैं और बाकी सब चीज़ें कम होती हैं। कम क्या होंगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, ये भी कम होती है ऊपर से नीचे आएंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी कम होती है। विद्युत ऋणता, ये भी घटती है। अधात्विक गुण, ये भी कम होता है। कौन सा गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव यानी नाभिकीय आकर्षण, ये सभी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं। तो एक चीज़ बढ़ रही है, यानी ये दो चीज़ें बढ़ रही हैं, ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें कम होती हैं। और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, इसके जस्ट उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें, ये मैं गोला लगा रहा हूँ, ये क्या होती हैं, ये सभी बढ़ती हैं। इधर आएंगे, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक होगा। कारण कक्षकों कोष निश्चित होते हैं। और घटेगा क्या, परमाणु आकार और धात्विक गुण। यहाँ पर इसका उल्टा होगा, यहाँ बढ़ रहा था ये दोनों चीज़ें, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें घट रही हैं। तो ये पूरी आवर्त सारणी है, सबके कारण एक जैसे हैं, सबको वही लिखना है, बस ये नाम चेंज करने हैं, आवर्तिता आ जाए या वर्ग में या आवर्त में पूछे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।